गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपने पिछली कक्षा में मैंने आपसे काम करवाया था, किया आप लोगों ने, पूरा किया या नहीं किया। मैंने कहा था ना, जो काम हम एक दिन कराते हैं उसको आपको साथ के साथ ही कंप्लीट करना है। अदरवाइज अगर आपने साथ के साथ जो हम करा रहे हैं उसको साथ के साथ नहीं किया तो आपका क्या पिछला काम आपको छूट जाएगा और आपको याद नहीं रह पाएगा कि आपने क्या किया था और क्या नहीं किया था। तो बच्चों, पिछली बार मैंने जहां चार वहां राम वाले पाठ में मैंने आपको प्रश्न उत्तर कराना शुरू किया था। अब प्रश्न नंबर दो तक मैं करा चुकी थी। प्रश्न नंबर दो था आपका, इला तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते। मैंने ये वाला प्रश्न आपको करा चुकी थी कि वह अपना काम कैसे करेगी, उसे किन किन कामों को करने में कठिनाइयां होंगी, वह उसे अपना सामान खुद उठाना पड़ेगा, ये सारी उसको परेशानियां आएंगी। तो मैंने आपको पिछली कक्षा में प्रश्न उत्तर करा चुकी थी। आज मैं आपसे करा रही हूँ प्रश्न नंबर तीन, इला को किन किन कामों को करने में परेशानी आएगी। बच्चों, अगर हमारा हमारे शरीर का कोई अंग ठीक से काम नहीं कर रहा होता है तो हमें कुछ तकलीफ होती है, हमें परेशानियां होती हैं। तो इला के हाथ ठीक से काम नहीं करते हैं तो उसको क्या क्या तकलीफें होंगी, क्या क्या परेशानियां उसको आएंगी। जिला जब अपने काम करती है या करेगी तो उसको क्या क्या परेशानियां आएगी। तो यदि आपके स्कूल में इला आते हैं तो उसको किन किन कामों को करने में परेशानी आएगी। यदि हम इसका आप उत्तर लिखते हैं, यदि इला, देखो मेरे साथ आप कॉपी पेन पेंसिल लिख के आए हैं ना, लेकर आओ तो लिखना शुरू करें। यदि इला हमारे, यदि लिखना शुरू करो मेरे साथ में, यदि इला हमारे विद्यालय में, हमारे विद्यालय में, यदि इला हमारे विद्यालय में आए तो, आए तो उसे निम्न परेशानियां आएंगी। कौन कौन सी आएगी? आए तो उसे, आए तो उसे निम्न कामों को, निम्न कामों को करने में परेशानी आएगी। कौन कौन से? अच्छा बच्चों, जब हम हिंदी में उत्तर लिखते हैं, जब हम हिंदी में उत्तर लिखते हैं तो देखो इलाकों किन किन कामों को करने में परेशान लेगी। आधा उत्तर जब आप लिखोगे तो आधा उत्तर हमारे क्वेश्चन से ही आ जाता है। देखो हमने लिखा किन किन कामों को, यदि इला से पहले मैंने क्या जोड़ दिया, यदि इला हमारे विद्यालय में आए तो उसे निम्न कामों को, बिल्कुल निम्न यहाँ से ले लो, निम्न कामों को करने में परेशानी आएगी। कौन कौन से? जैसे नंबर एक, अब बताओ क्या परेशानी है अगर वह स्कूल में आपके साथ आ रहे सारे बच्चे बैठे हुए बेंच के ऊपर और सब बच्चे टीचर क्लास मैडम क्लास ब्लैक बोर्ड में लिख रही है, लेकिन सारे बच्चे लिख रहे पर इला ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं तो उसको क्या परेशानी? पहली परेशानी तो यह आएगी, क्या परेशानी आएगी? जल्दी जल्दी लिखना। बच्चे आप जल्दी जल्दी लिखते हैं ताकि मैडम के साथ साथ हम लिखें, लेकिन अगर
इला के हाथ ठीक नहीं है, वह अपने पैरों के अंगूठों से लिखती है, तो वह जल्दी जल्दी से अपना काम नहीं लिख पाएगी। तो पहली परेशानी आएगी उसको जल्दी 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 नहीं लिख पाएगी। क्या नहीं कर पाएगी बच्चों? वह जल्दी जल्दी शाम तक का काम कर नहीं पाएगी, जल्दी जल्दी अपना काम लिख नहीं पाएगी। जैसे बाकी बच्चे लिखेंगे ऐसे ही पूरा अपना काम बच्चों के साथ में, शिक्षक के साथ में जल्दी से कर नहीं पाएगी। दूसरा नंबर दो, खेल खेलने में। अब बच्चे खेल खेल रहे हैं, उसका भी मन है खेल खेलने का, लेकिन उसके हाथ काम नहीं कर रहे, उसका शरीर का एक अंग काम नहीं कर रहा है, तो वह क्या होगा? बच्चों के साथ खेल नहीं पाएगी। बच्चे खेल रहे हैं लेकिन वह खेल नहीं पाएगी। कोई खेल खेलना, अगर बच्चे कोई खेल खेलना खेल रहे हैं, जैसे आप लोग खेलते हैं ना, छुपा छुपाई खेलते हैं, धप्पा वाला, पिट्ठू खेलना, बहुत सारे खेल आप खेलते हैं, आप झूले पे झूलना है ना, तो खो खो खेलना, एक दूसरे को धक्का देकर ऐसे धप्पा देकर उठाना, खो खो खेलना, ये सब खेल वो नहीं कर पाएंगे। तो कोई खेल खेलना, कोई खेल खेलना, उसको क्या क्या परेशानी आएगी बच्चों? उसको परेशानी आएगी कि वह जल्दी जल्दी अपना काम नहीं लिख पाएगी, कोई खेल बच्चों के साथ नहीं खेल पाएगी। नंबर एट, अपना सामान नहीं उठा पाएगी, है ना। कोई सामान नीचे गिर गई, सपोज पेंसिल नीचे गिर गई, तो वो अपनी पेंसिल कैसे उठाएगी? उसके रबर गिर गई, उसका बोतल गिर गया, उसे पानी पीने की जरूरत है, तो वो अपने सामान को उठा नहीं पाएगी। यह उसको क्या है, स्कूल में तकलीफ आएगी, कोई सामान उठा नहीं पाए, उठाना, कोई सामान नीचे गिर गया तो क्या नहीं हो पाएगा, कोई सामान उठाना। ठीक है बच्चों, आप समझ में आ गया आपको कि इला को किन किन कामों को करने में विद्यालय में परेशानी आएगी। अब क्या जल्दी जल्दी वो अपना काम जल्दी जल्दी नहीं लिख पाएगी, जल्दी जल्दी नहीं लिख पाएगी, सॉरी यहाँ पे लिख छूट गया है, जल्दी जल्दी नहीं लिख पाएगी। और क्या नहीं कर पाएगी? कोई खेल खेलना, वह कोई खेल क्या नहीं कर पाएगी, कोई खेल खेलना, उसको कोई खेल खेलना है तो वह खेल नहीं खेल पाएगी। कोई सामान उठाना, नीचे कोई सामान गिरा है, उस सामान उठाने में उसको तकलीफ आएगी, है ना। जल्दी जल्दी नहीं लिख पाएगी, जल्दी जल्दी नहीं लिख, उसे जल्दी से लिखा नहीं जाएगा। अब आपने ये प्रश्न नंबर तीन आप मेरे साथ साथ देख चुके होंगे, अब हम लिखते हैं प्रश्न नंबर चार। प्रश्न नंबर चार, आप क्या करेंगे, आप जब भी क्लास में बैठते हैं तो आपको अपनी कॉपी और पेंसिल को लेकर के ही बैठना है, जिससे आप मेरे सामने लिखना शुरू करें। अदरवाइज आप अगर लिखेंगे नहीं तो क्या होगा कि आपका काम छूट जाएगा, और जब भी स्कूल एग्जाम होगा तो आपको लिखने में तकलीफ होगी। अब हम करते हैं प्रश्न चार। प्रश्न चार है बच्चों, उसे प्रश्न चार, उसे यह परेशानी न हो, उसे क्या न हो, यह कौन सी परेशानी, जैसे जल्दी जल्दी लिखना, सामान उठाना, है ना, ये सब परेशानी ना हो तो हम क्या सुझाव दे सकते हैं, है ना, हम अपनी तरफ से क्या विचार रख सकते हैं अपना कि उसको ये तकलीफ ना हो। तो प्रश्न लिखते हैं, उसे यह परेशानी ना हो, उसे यह परेशानी, उसे यह
परेशानी ना हो इसके लिए उसे यह परेशानी ना हो इसके लिए तुम क्या सुझाव दे सकते हो उसे किसको बच्चों इला को उसे यह परेशानी ना हो इसके लिए तुम क्या सुझाव दे सकते हो बच्चों मैंने यहाँ पर शब्द लिखा उसे है ना अब मैंने जब शुरू आपका पार्ट एक शुरू हुआ था पार्ट दो शुरू हुआ था तब मैंने आपसे कहा था कि संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द को कहा था ना मैंने आपको साथ के साथ में पाठ के साथ साथ में व्याकरण को भी लेके चलना है तो मैंने आपसे कहा था कि संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं सर्वनाम कहते तो बच्चों उसे किसके लिए प्रयोग हुआ है इला के लिए और इला क्या है बच्चों इला है संज्ञा ठीक है ना इला क्या है संज्ञा है और इला के लिए प्रयोग किया गया है उसे तो आपको साथ के साथ में यह भी ध्यान रखना है ठीक है अब उसे यह परेशानी ना हो इसके लिए तुम क्या सुझाव दे सकते हो है ना क्या सुझाव दे सकते हैं आपके जैसे वो जल्द से लिख नहीं पाएगी वो अपने सामान को उठा नहीं पाएगी उसे वो खेल नहीं खेल पाएगी है ना वो जल्दी से काम नहीं कर पाएगी सीढ़ियां चढ़ने में उसको तकलीफ होगी पैरों से वो चलती है लेकिन ऊपर चढ़ना उसको बैग लेकर चलना है तो उसको तकलीफ होगी तो आप क्या कर सकते हैं बच्चे स्कूल में चल रहे हैं असेंबली के लिए प्रार्थना सभा में जा रहे हैं भीड़ होती है धक्के लगते हैं आपस में चलते हुए एक दूसरे से बच्चे टकराते हैं तो उसको ये सब परेशानी ना हो तो आप क्या सुझाव देंगे है ना क्या सुझाव देंगे आप अपने स्कूल में हम उत्तर उसे अब हम उत्तर लिखेंगे बच्चों उत्तर उसे इसको इला उसे परेशानी ना हो उसे परेशानी ना हो इसके लिए उसे परेशानी ना हो इसके लिए हम निम्न सुझाव दे सकते हैं किसको अपने विद्यालय में है ना तो उसे परेशानी ना हो इसके लिए हम अपने विद्यालय में हम अपने विद्यालय में उसे परेशानी ना हो इसके लिए हम अपने विद्यालय में क्या क्या कर सकते हैं आप सोचो सोचो जरा आप लोग भी क्योंकि ये आपकी कल्पना पर आधारित है कि आप क्या सोचते हैं है ना ये आप भी इसके बारे में सोचेंगे सोचो कि हम क्या आप क्या सुझाव देना चाहेंगे आप भी स्कूल में अपने स्कूल वालों को अपने क्लास टीचर को आप क्या सलाह देना चाहेंगे है ना यहाँ पर एक चीज और मैं आपको इसी बीच में बताऊंगी विद्यालय धातु कैसे बनाया मैंने बनाया है एक ऊपर से डंडी कीजिए और ये हो गया ध ठीक है इसी को
आपकी किताब में या आजकल कैसे लिखा जाता है आधा ग्राफ, हमने पूरी ग्राफ नहीं ना जो इस ग्राफ को हम नीचे किस तरफ अपने दाहिने हाथ की तरफ इसके एक आड़ी रेखा की से तिरछी सी ऐसे रेखा खींच देंगे। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि हमने अक्षर को आधा कर दिया, हमने क्या किया अक्षर को आधा कर दिया, समझ में आया। अगर मैं इस बार यहाँ आड़ी रेखा तिरछी रेखा नहीं खींचती तो इसका उच्चारण पूरा द होता, लेकिन मैंने इसके नीचे एक आधा तिरछी रेखा खींच दी है जिससे यह द क्या हो गया आधा हो गया दो, और फिर मैंने लिख दिया या, अब हो गया ये या, या है ना, यहाँ इस तरह से लिखा मैंने था विद्या और यहाँ ये भी विद्या, आगे समझ में। तो ये ध्यान रखना है दोनों ही सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन आजकल जो आपकी किताब पर लिखा जा रहा है वो इस तरह से लिखा जा रहा है, चाहे आप ऐसे भी लिखेंगे जैसे मैंने लिखा विद्यालय, ये भी सही है। अगर विद्यालय आप इस तरह लिखेंगे विद्यालय या पे आकर डंडा और ला, तो ये भी आपका क्या है सही है, ठीक है। छोटी छोटी चीजों को आपको क्या रखना है ध्यान में रखना है ताकि आपकी आपसे गलतियां ना हो, ठीक है। चलो हम इसको कंटिन्यू करते हैं, आपके प्रश्न को उसे परेशानी ना हो इसके लिए हम अपने विद्यालय में क्या क्या सुझाव दे सकते हैं, उसके लिए सहायक रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं बेटा उसके लिए। नंबर एक सहायक, कोई उसके साथ साथ करने उसका सामान उठाने वाला कोई सहायक रख सकते हैं उसके लिए ना, सहायक रख सकते हैं। नंबर एक सहायक, सहायक हेल्प करने वाला, ठीक है, सहायक सहायक रख सकते हैं। सहायक रख सकते हैं कोई हेल्प, उसकी हेल्प करने के लिए कोई सहायक रख सकते हैं, सहायक हेल्प करने के लिए सहायक रख सकते हैं जो जो समय समय पर, समय समय में जब उसको आवश्यकता हो, जो समय समय पर जो समय समय पर उसकी सहायता कर सके, लिखा बच्चों आपने उसकी सहायता कर सके, ठीक है। क्या सुझाव दे सकते हैं अपने विद्यालय में कि को विद्यालय में स्कूल में कोई परेशानी ना हो तो उसके लिए हम क्या अपने विद्यालय को सुझाव दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं कि इलाके में कोई सहायक रख सकते हैं जो समय समय पर उसकी सहायता कर सके, ठीक है बच्चों। नंबर दो, नंबर दो मैं इसको मिटा दू, प्रश्न को मिटा रही हूँ मैं, प्रश्न को आप देख चुके होंगे, मैं प्रश्न को मिटा रही हूँ। प्रश्न दो, सॉरी प्रश्न एक सहायक रख सकते जो समय समय पर उसकी सहायता कर सके, नंबर एक सुझाव दे सकते, नंबर दो कुछ छात्र छात्राएं कुछ छात्र छात्राएं कुछ छात्र छात्राएं स्टूडेंट्स है ना, कुछ छात्र छात्राएं भी आगे आकर
आगे आकर उसकी मदद कर सकते हैं, है ना? मदद कर सकते हैं। आपने सुझाव दिया किसी हेल्पर को रखा जाए, किसी सहायक को रखा जाए, या कुछ छात्र अपने फ्रेंड्स, अपने क्लास के दोस्त उस आगे आकर के उसकी हेल्प करें, उसकी सहायता कर सकते हैं कि छात्र छात्राएं आगे आकर उसकी मदद कर सके, है ना? या उसकी मदद कर सके, उसकी उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हेल्प कर सकते हैं, जैसे उसका सामान उठाना, उसका बैग उठाना, उसको हाथ पकड़ के ऊपर तक सीढ़ियों तक ले जाना, असेंबली तक, प्रार्थना सभा तक उसका हाथ पकड़ करके अपने साथ धीरे धीरे ले जाना। ये सब कुछ छात्र आपके फ्रेंड्स उनके जो बच्चा ऐसा उसके दोस्त ऐसे कर सकते हैं। कुछ छात्र छात्राएं भी आगे आकर उसकी मदद कर सकते हैं। और क्या क्या कर सकते, जैसे उसका काम छूट रहा है, जल्दी जल्दी नहीं लिख पा रही है, तो जैसे उसका काम भी खुला के ना, अगर उसका छूट रहा है, काम भी नहीं पा रही है जल्दी जल्दी में, तो उसके साथ बगल में बैठा हुआ, बेंच में बैठा हुआ बच्चा उसका क्या काम कर सकता है, लिख सकता है। उसकी कॉपी पर छूट रहा है, जल्दी से उसका काम अपना खत्म होने के बाद उसको लिख सकता है। उसका काम लिखना, जैसे उसका काम लिखना, है ना, जैसे उसका काम लिखना, जैसे मैंने अभी आपको बताया उसका काम लिखना, उसका सामान छुट्टी हो गई और उसका सामान बाकी बच्चे निकल रहे हैं, जब छुट्टी होगी तो बच्चे दौड़ भाग, देखा बच्चे दूसरी क्लास के निकल गए तो बच्चे क्या करना शुरू कर दे, अपना सामान उठाया, बस्ते में भरा सामान जैसे तैसे और निकल आया। पीछे से क्या हो रहा है, कोई बच्चा गिर रहा है, छूट रहा है, कोई ध्यान नहीं देता, तो इन सब चीजों को भी हमको ध्यान रखना है कि उसका काम लिखना है, जब टीचर लिखा है, मैडम लिखा रही है, उसका काम छूट रहा है, तो हमारा काम हो गया, उसका काम लिख दो, उसका काम लिखना, उसका सामान समेटना, है ना, छुट्टी हो रही है तो उसका सामान समेटना, डबल हो गया आपका, तो बच्चे सब जा रहे हैं, जो बच्चा अपंग है, असहाय है, उसको आपने छोड़ दिया, तो यह बात ठीक नहीं, हम उसको क्या कर, उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसका सामान समेटना आदि आदि हम कर सकते हैं, उसका सामान समेटना। ठीक है, हम अगर इलाज से कोई बच्चा हमारे विद्यालय में आता है तो हमें क्या करना है बच्चों, उसकी सहायता के लिए निम्नलिखित सुझाव हम रख सकते हैं और उसकी मदद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका प्रश्न 5। नेक्स्ट हम लेते हैं प्रश्न 5। अगला प्रश्न ये आप लिख चुके होंगे, अब मैं इसको मिटा रही हूँ, बस से अब लिखते हैं प्रश्न 5। आप लिख रहे हैं मेरे साथ साथ में, आप अगर मेरे साथ साथ में जरूर लिखो, मेरे साथ साथ अगर आप लिखते हैं तो आप मेरी बात को सुन भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। जैसे मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि साथ साथ काम करने से आपके और इंद्रियां जो है एक साथ बहुत सारे काम करते हैं। इला को लेकर प्रश्न 5, प्रश्न 5 इला को लेकर, इला को लेकर हम इस प्रश्न को पूरा करते हैं। इला को लेकर
स्कूल वाले चिंतित क्यों थे, स्कूल वालों का चिंता करना स्वाभाविक था। अगर कोई बच्चा ऐसा स्कूल में दाखिला लेता है जो शारीरिक रूप से कमजोर हो तो स्कूल वाले वालों का चिंता करना अपने आप में एक स्वाभाविक है। क्यों चिंता करना स्वाभाविक है कि वह कैसे लिखेगी, वह कैसे चलेगी, अगर उसके चोट लग गई स्कूल में तो कैसे संभालेंगे, पहले वह काम पूरा कर पाएगी, वह परीक्षा दे पाएगी, परीक्षा के प्रश्न पत्र कर पाएगी, बहुत सारे प्रश्न स्कूल वालों के दिमाग में आएंगे और वह चिंतित होंगे ऐसे बच्चे को लेकर। तो हम लिखते हैं इला को लेकर उत्तर लिखो आप मेरे साथ सर। उत्तर इला को लेकर, इला को लेकर स्कूल वाले, स्कूल वाले इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे, क्यों थे उसकी 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 किसकी इलाके किसके लिए प्रयोग किया, उसकी किसके लिए प्रयोग किया गया है इलाके, उसकी सुरक्षा को लेकर, उसकी सुरक्षा को लेकर इलाके को लेकर स्कूल वाले चिंतित, उसकी सुरक्षा को लेकर, उसके कार्य करने की, उसके कार्य करने की गति को लेकर, गति को लेकर चिंतित थे, चिंतित थे। इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे, इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित उसकी सुरक्षा को लेकर, उसके कार्य करने की गति को लेकर चिंतित थे। उनका आगे के लिए हैंडराइटिंग का ध्यान रखिए, आपको जो भी लिख रहे हैं आप सुंदर अक्षरों में आप लिखेंगे, ताकि आप अपनी कॉपी पर जब याद करने के लिए निकालेंगे तो आपको अपनी नोटबुक कैसे लगे, एक सुंदर साफ सुथरे शीशे की तरह, ठीक है ना। सुरक्षा को लेकर, उसके कार्य करने की गति को लेकर चिंतित थे। उनका उनका चिंता करना, उनका चिंता करना क्या स्वाभाविक था, है ना। उनका किसका, उनका किसका स्कूल वाले, ठीक है, उनका चिंता करना स्वाभाविक था। स्वाभाविक मीन्स, स्वाभाविक मीन्स उनका नेचुरल, है ना, उनका चिंता करना स्वाभाविक था।
उनका चिंता करना स्वाभाविक था क्योंकि क्योंकि इला क्योंकि इला जैसे बच्चों को इला जैसे बच्चों को इला जैसे बच्चों को इन कठिनाइयों का इन कठिनाइयों का इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है सामना करना पड़ता है ना। जो बच्चे शरीर से कमजोर होंगे तो उनको उनके लिए स्कूल वाले चिंतित अवश्य होंगे, है ना, क्योंकि उन्हें लगेगा कहीं ये गिर जाए उसकी सुरक्षा को लेकर, कहीं गिर जाए उसका सामान खो जाए तो फिर स्कूल वाले कैसे ढूंढ पाएंगे, है ना। बच्चों को उनका चिंता करना क्या था, स्वाभाविक रूप से था स्कूल वालों का, वो अपने काम को कैसे कर पाएंगे, उसकी गति स्पीड, है ना, लिखने की स्पीड, चलने की स्पीड, वह उसकी गति को लेकर कौन परेशान थे, कौन परेशान थे, स्कूल वाले चिंतित थे। और यह चिंता करना उनका क्या था, स्वाभाविक था, क्योंकि ऐसे बच्चे इन कठिनाइयों बच्चों को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब बच्चों नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी प्रश्न 6, है ना, आप अगली क्लास मेरी कब होगी, ट्यूजडे को होगी, उस दिन मैं कराऊंगी एक दो प्रश्न कराऊंगी और उस दिन मैं आपको पत्र ले, चलो एक क्वेश्चन और करा देती हूँ जल्दी में, प्रश्न 6, ताकि परसों फिर एक नेक्स्ट क्लास मिला बेटा प्रश्न 6। प्रश्न 6, एक प्रश्न है और करा देती हूँ, अगर आप क्लास में होते तो मैं आपसे पूछती आप थक गए हो क्या, तो छोड़ देती हूँ आपकी क्लास, है ना, लेकिन हुआ तो संभव नहीं हो पा रहा है मेरे लिए आपसे पूछना, तो मैं एक प्रश्न और करा देती हूँ। प्रश्न 6, इला दसवीं की परीक्षा किला दसवीं की परीक्षा किला दसवीं की परीक्षा पास क्यों नहीं कर पाई थी, पास क्यों नहीं कर सकी होगी, कर सकी होगी। अब मैंने जब आपको पाठ पढ़ाया था तो मैंने आपको समझाया भी था कि क्या नहीं था, इला दसवीं से आगे नहीं पढ़ पाई थी, क्यों नहीं पढ़ पाई थी, क्योंकि उसकी लिखने की गति स्पीड बहुत कम थी, इसलिए वो अपना प्रश्न पत्र पूरा नहीं कर पाई, जिससे वह दसवीं की परीक्षा में पास नहीं हो पाई। ठीक है, हम देखेंगे उत्तर, हम लिखेंगे इसके बाद लिखने की उत्तर, लिखने की गति कैसी थी, लिखने की गति इला की धीमी थी या तेज थी, कैसी थी, धीमी थी, है ना, लिखने की गति
धीमी होने के कारण गतिविज बच्चों गतिविज स्पीड है ना, जितने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। इसलिए वह लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। इसलिए वह दसवीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी। ठीक है, आप अभी जो मेरी क्लास हो रही है तब तक आप इनको याद करो, ये प्रश्न उत्तर आपको याद करने हैं। और अगली जो मेरी क्लास होगी उसमें होगा, मैं आपको पत्र लिखाना समझाऊंगी, पत्र लिखने की रूपरेखा अगली क्लास में हम लिखेंगे। पत्र लिखने के बारे में मैं आपको बताऊंगी कहाँ से शुरू करते हैं, क्या लिखना है, कैसे पत्र के बारे में हम लिखेंगे। अच्छे बच्चों, एक बार मैं फिर से आपको कहूंगी, आपके माता पिता से निवेदन करूंगी कि प्लीज 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 मुझे बच्चों का अटेंडेंस देनी होती है, तो माता पिता अपना नाम जरूर लिखें। कोई बात, अगर बच्चे का नाम आपसे, क्योंकि आईडी आपके व्हाट्सएप आपके नाम से होगा तो नेचुरली आपका नाम पहले आएगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, अपने नाम के साथ बच्चे का नाम जरूर लिखिएगा और नाम के साथ सेक्शन भी लिख रहा है, क्योंकि मेरे पास तीनों ही सेक्शन है ए बी सी, और तीनों सेक्शन में एक ही नाम के कई बच्चे हैं, तो मैं ढूंढ नहीं पा रही हूँ कि यह बच्चा किस सेक्शन का है। ठीक है, तो मैं आपसे वापस फुल हैंड रिक्वेस्ट करती हूँ पेरेंट्स से कि बच्चे का नाम जरूर लिखे। आप जरूर अपना नाम लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे का नाम और उसका सेक्शन जरूर लिखे ताकि मैं बच्चे को अटेंडेंस दे सकूं। ठीक है, और घर में बच्चे पर प्लीज ध्यान रखिएगा, बच्चा कैसे लिख रहा है, गलत लिख रहा है तो उसी पेज के नीचे आप एक बार जरूर बच्चे ने जो ब्लैक बोर्ड से मेरे साथ होता, हम भी क्लास में बच्चे होते थे तो करेक्शन करते थे ना कॉपी का, बच्चे बहुत सारे मिस्टेक्स लिखते, गलतियां लिखते थे तो उनको सुधार करके हम लिख देते थे वापस, लेकिन अभी यह संभव नहीं है। तो आप प्लीज आप चेक जरूर करिए और जो शब्द बच्चे ने गलत लिखा है उसमें ऐसे सर्किल करके नीचे सुधार आगे करके सुधार उसी पेज पर सुधार कार्य लिखकर उस गलत लिखे हुए शब्द को क्या करेंगे, तीन तीन बार बच्चे से लिखवाएंगे ताकि उसे गलती ना हो। ठीक है, अब बाय, अगली बार नेक्स्ट कब होगी क्लास मेरी, ट्यूजडे को होगी 12 बजे। आप सब लोग अपने कॉपी किताब पेंसिल लेकर बैठिए और मेरे साथ में शुरू करते हैं, और हिंदी पढ़ने के लिए इंजॉय, है ना, हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें द बेस्ट, मनोरमा मैडम की क्लास मींस बेस्ट क्लास। ठीक है, बाय।